नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक आप सभी का हमारे YouTube चैनल 3R Academy में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक ऐसी संख्या के बारे में जानेंगे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखी है। जी हां दोस्तों, संख्या 6174 ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। आखिर इस संख्या में ऐसा क्या है जिसने इसे इतनी प्रसिद्धि दिलाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल 3R Academy सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे पहली बार देखने से संख्या 6174 अन्य संख्याओं की तरह ही नज़र आती है, परंतु वर्ष 1949 के बाद इसने अपनी प्रसिद्धि लगातार हासिल करती रही है। इसकी वजह क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। भारतीय गणितज्ञ दत्तात्रेय रामचंद्र कॉपरेकर को संख्याओं के साथ प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था। इसी प्रयोग में उन्होंने संख्या 6174 का भी प्रयोग की। इसके प्रयोग से वे अचंभित उठे। इसकी वजह क्या है, वे इसे एक रहस्यमयी संख्या क्यों मानने लगे, इस संख्या में ऐसा क्या विशेष गुण था जिसे देखकर वे अचंभित उठे, उन्हें क्या पता लगाया और जिसके कारण उसे प्रसिद्धि मिली, आइए इसे जानते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि किसी भी चार अंक की संख्या जिसमें कोई भी अंक दोबारा नहीं आया हो से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या को बार बार घटाने पर एक कांस्टेंट प्राप्त होता है और वह कांस्टेंट कोई और नहीं बल्कि संख्या 6174 है। आइए इसे हम एक प्रयोग के माध्यम से देखें। हमने एक संख्या 1, 2, 3, 4 लिया। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 4, 3, 2, 1 और इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3, 4 का अंतर हमें 3087 प्राप्त होता है। अब 3087 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 8730 और उससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या 0378, इसके बीच का अंतर हमें 8352 प्राप्त होता है। अब इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं। 8352 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 8532 और उससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या 2358, इसके बीच का अंतर हमें 6174 प्राप्त होता है। अब इस प्रक्रिया को हम आगे दोहरा सकते हैं, लेकिन दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसे यहीं रोक देते हैं क्योंकि इसे बार बार दोहराने से भी हमें वही 6174 ही प्राप्त होता है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर हमें कोई भी जीरो प्राप्त होता है तो उसे हम स्टार्टिंग में लेके उससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या ही बनाए। आप इसके साथ अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि इस प्रक्रिया को 7 बार दोहराने के बाद भी संख्या 6174 प्राप्त नहीं हो रही है तो हो सकता है आप कहीं गलती किए हों, इसलिए उन्हें पुनः जांचें। यदि ऐसा करने में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।